हमारी तरह, बल्कि ये कह दो बादल अंबिया बिन तहकी अभी भी मुमिनी सिद्दीक अकबर आशिक रसूल सहाबा का इमाम तमाम अंबिया के बाद जिसको फजीलत हासिल है वो सिद्दीक अकबर से हुजूर कहते हैं या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को अबू बकर मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। कितने दर्जे बलन किए तो हुजूर ने बता दिया वो कोई नहीं जानता। जो सफर में साथ, हजर में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, हुनैन में साथ, बंदर खंदक में साथ, बदर में साथ, ओहद में साथ, सफर और हजर, मदीना मक्का, हिजरत में साथ, बारे सोर में साथ, और आखिर में ये कह दो कि मजार मुस्तफा में साथ साथ। इनकी हकीकत वो न जाने हुजूर की हकीकत को, आज का गंदा नारी का कीड़ा क्या जाने हुजूर की शान क्या है। वो कहते हुजूर चलते थे हमारी तरह, नहीं नहीं तू चले तो गरीब के कुत्ते तुझ पर भौंकते हैं, तू दवा चले तो सजरों हजर सलाम तो सलाम कहते नजर आते हैं, तू चले तो गली के लोग तेरे से चेहरा फेर लेते हैं, मुस्तफा नहीं करते थे अली कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के साथ जब मैं मक्का की गलियों में निकलता तो पहाड़ और पत्थर हुजूर को सलाम पेश करते थे, कहते हैं हुजूर तो हमारी तरह खाते पीते थे, मेरा खाना तेरा खाना और है, मुस्तफा का खाना और है। यहूदी औरत ने सरकार के खाने में जहर मिलाया, सरकार ने लुकमा उठाया, खाने पीने में साथ नहीं सोने में साथ। हम सोए तो गंदे गंदे ख्याल आए, मेरा मुस्तफा तो सोए तो खुदा मेराज के लिए बुला रहे बुलाए। हम चादर ओढ़े तो वो कहते वो चादर ओढ़ के सोया है, मेरा मुस्तफा चादर ओढ़ के सोए तो कुरान कहे या अय्युहल मुस्तमिल कभी नहीं इतना करी ना मिस्बाहु अमीन मुस्वामिन हो कदीना, यानी हम इबादत करे तो कोई कुछ न कहे, मुस्तफा इबादत रात भर करे तो खुदा कहे वो काली चद्दर ओढ़ के सोने वाले। ये सारे रिसालत इन एतबार से भी हुजूर के बराबर ही हम नहीं कर सकते। हमारा मेरा पसीना निकल रहा है, पसीना बदबू मारेगा, मेरा मारेगा कि नहीं मारेगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं भीग गया हूँ, अरे समझा रहा हूँ, वो पसीना निकलता है तो हमारे जिस्मों से बदबू उड़ती है, वो देवबंदी हो किसी का भी पसीना हो, वो जिसका भी पसीना हो निकलता है तो बदबू उड़ती है। मैं सलाह कहते हैं मैं सफर शाम में हुजूर के साथ था, मैंने देखा कि लोगों का पसीना बढ़ता था तो बदबू निकलती थी, उस सभा का पसीना जैसे बढ़ता चला जाता था खुशबू उड़ के चली जाती थी। ये सारे रिसालत है, कहां कंपेरिज्म कर रहे हो, कहां अपने आप को हुजूर से मिला रहे हो, न चलने में हमारे जैसे, न फिरने में हमारे जैसे, न सोने में हमारे जैसे। हम नमाज पढ़े तो हमें दुनिया के ख्याल आए, उस समान नमाज पढ़े तो उनके लिए खुदा का दीदार हो जाए। वकल्लमल्लाह अब कह रहा था कलाम, एक और फजीलत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कलाम की फजीलत, मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात देने के लिए आसमां बुलाया कोहे तूर में, फखलअना अलैहिम इन्नका बिलवादिल मुकद्दस हुआ कि मूसा चप्पल उतार के आप वो वादी मुकद्दस है। गैर मुकल्लिद तो अपनी मस्जिदों में भी चप्पल ले जाते, हो सकता है उनको कोई एहतराम नहीं हो, दरगाहों का भी एहतराम नहीं, हम चप्पल उतारते देखो कुरान में मुकद्दस जगह पे चप्पल उतार दो, बिलवादिल मुकद्दस हुआ ये कहा और क्या कहा, 40 दिन रोजे रखो इबादत करो फिर मैं तुम्हें बुला के कुरान जैसे कुरान अल्लाह के रसूल के नाज़िल ऐसे वहां तौरात तो मैं वहां तुम्हें तौरात दूंगा। शर्त क्या रखी, 40 दिन रोजे इबादत। अब देखो क्या फजीलत है मेरे मुसलमान, तूने सीना में बुलाया तौरात देने के लिए, शर्त रखी रोजे रखो इबादत करो चप्पल उतार कर फिर वहां आना, और शान रिसालत यह है महबूब अगर तू गारे हेरा में है वहां कुरान आएगा, महबूब तू मदीना में है वहां कुरान आएगा, महबूब तू बदर में है वहां कुरान आएगा।